मैंबर साहब गल करके गए ने जी कि असी गवर्नर राज पंजाब जी लगन देना। सर यही कांग्रेस है जिन्हें 8 बार पंजाब च एमरजेंसी लई, यही कांग्रेस है जिन्हें सिखां दे गलां च टायर पापा साड़े, क्या तुसी गल्लां कर रहे हो। जो अज पंजाब दा माहौल बनया जे गैंगस्टर पैदा होया ये सर पिछलियां सरकारां दी देन है। हाँ जी दोस्तों स्वागत है तुहाडा सब दा। पंजाब दी मान सरकार दे कैबिनेट मिनिस्टर मीत हेयर दे अपने व्याह तो जाण तो पहला एक ऐसा काम कर दिता है जिस दे कारण भगवंत मान दे सारे पंजाब दे विच चर्चे हो रहे हैं, सारे पंजाब दे विच लाड़ा लाड़ा हो गया भगवंत मान इस चलते पट ते थापी भी मार दी ते सारे देखते रह गए कि यह सब कुछ की हो गया। आओ सब तो पहले तुहाडे नाल मीत हेयर दी वीडियो सांझी करदे हां जिसने पंजाब दे विच तहलका मचा दिता ते जिसकी सारे पासे चर्चा हो रही है। सुखा कल एक गैंगस्टर जलंधर तो पेशी भुगत के आ रहा सी, राज पुलिस कस्टडी च उन्हूं राज घेर के मारता। उस आम आदमी पार्टी सरकार सी, टड्डरियां वाले ते अटैक उह साडी सरकार दे विच होया। जो अज पंजाब दा माहौल बनया जे गैंगस्टर पैदा होया ये सर पिछलियां सरकारां दी देन है। ते मैंबर साहब गल करके गए ने जी कि असी गवर्नर राज पंजाब च लगन देना। सर यही कांग्रेस है जिन्हें 8 बार पंजाब च एमरजेंसी लई, यही कांग्रेस है जिन्हें सिखां दे गलां च टायर पापा साड़े, क्या तुसी गल्ला कर रहे हो। सर लगातार भी जी इत्थे गैंगस्टरवाद आ गया, इत्थे जी क्राइम बढ़ रहा है, इत्थे जी पंजाब दा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ये सर असी करता पिछले एक साल दे विच एक दो घटनावां नूं इत्थे जी आए हो गया आए हो गया। सर पिछले 7-8 साल दे विच की घटनावां पंजाब दे विच होईयां ने। ते सर लास्ट ते मैं इक्को गल कहूंगा कि एक साल का समा होया असी केवल 10 लोग दूजी वारी आले हाँ, एक साल दे विच सर एक भी ठोस मुद्दा जिथे सरकार का फेलियर होवे, जिथे सरकार की नीयत च खोट होवे, एक गल साबित नहीं कर पाए। एक गल अज सारे पंजाबी कह सकते हैं भावें कोई बाहर बैठे आ भावें पंजाब च भावें पंजाब तो बाहर के भगवंत मान जी की नीयत दे विच खोट नहीं। सर इन्हों के जिहड़े साबका मुख्यमंत्री रह के गए हैं उन्होंने नीयत दे विच खोट सी। साढ़े मुख्यमंत्री साहब ते सानू माण है ते बड़ी मेहनत नाल लगे हुए हैं। जिवें कि सानू सब नू पता है कि अज मीत हेयर दा मोहाली दे विच विआह होना है, विआह दी परवाह कीते बिना मीत हेयर ने वड्डा कदम चुक्या ते मान दे विरोधियां दीआं धज्जियां उड़ा दित्तियां। 1 नवंबर नू रखी गई महा डिबेट दे विच तां कोई भी विरोधी मंत्री नहीं पहुंचा, पर विरोधियों दे वल्लों लगातार भगवंत मान ते निशाने कसे जा रहे सी कि तुहाडे आउण दे कारण ही पंजाब दे विच क्राइम वध्या, हर रोज़ किसे ना किसे दा कतल हुंदा है, पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस ते जवाब दिंदे मीत हेयर ने विरोधियों नूं ठोक के रख दिता है। उन्होंने बहुत ठोकवें जवाब दिते जो तुहानूं वीडियो दे विच भी सुनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जदों पंजाब दे विच मान सरकार नहीं सी उदों भी कतल हुंदे सी, उदों भी क्राइम सी, उदों की मान सरकार सी, अज मान सरकार ने पंजाब दे विच कदम रखदे बहुत वड्डे वड्डे काम कीते हन ते क्राइम भी बहुत घट गया है, पर विरोधियों ने इस गल का मुद्दा ही बना लिया है कि पंजाब दे विच मान सरकार ने क्राइम लिया है। जेकर इन्नी ही गल सी तां डिबेट दे विच आके अपने सवाल मान सरकार दे कोलों पुछ लेंदे, उदों क्यों कोई नहीं आया। मीत हेयर दी इस वीडियो ने दोस्तों पंजाब दे विच तहलका मचा के रख दिता है। हर पासे इसे वीडियो की ही चर्चा हो रही है कि मीत हेयर ने विरोधियों दीआं धज्जियां उड़ा के रख दित्तियां हैं, मान सरकार नूं मीत हेयर ते बहुत माण है। तुसीं सब दोस्तों मीत हेयर दी इस वीडियो बारे की सोचते हो, तुहाडा की कहना है कमेंट करके जरूर दसना, नाले साडे चैनल ते आने वाली होर वीडियो देखने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर देना। धन्नवाद जी।